हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्री मिक्सिंग लेक्चर 3 के बारे में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम सारे ट्रैक्स के जितने भी हमने मिक्सर में ट्रैक्स डाले थे उन सब के बजेस बनाते हैं, ताकि हम अपने मिक्सिंग में और मास्टरिंग करने के बाद अपने साउंड को लाउडनेस दे सकें, एक प्रोफेशनल साउंड करवा सकें। तो ये प्री मिक्सिंग का पार्ट होता है। तो एक बार समझ लेते हैं किस तरह से करते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने FL स्टूडियो में। तो ये प्रोजेक्ट है वही वाला बदमाश बीट 1, जो हमने प्रीमिक्स 1 से स्टार्ट किया था। तो हमें करना क्या होता है, पहले सारे ट्रैक्स को हमें यहाँ से मिक्सर में लेके आना था, जैसे मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट L करके जो हम लेकर के आए थे। अब हमें यहाँ पर इन सब के बजेज बनाने होते हैं। बजेज क्या होते हैं, जैसे एक ड्रम सेक्शन का एक बज हो जाएगा, जिससे हम उसकी वॉल्यूम को सिंगल ट्रैक से सबकी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेलेडी का एक बज बनाएंगे, फिर बनाएंगे हम बेस का एक बज, एक एफएक्स का बज होता है। एफएक्स मीन्स होता है जैसे अब फिल्टर, डाउन फिल्टर, राइजर, ये सब होते हैं, इन सब का एक बज बनता है, एक बनता है वोकल का, ठीक है। और उसके बाद बनाते हैं हम एक मिक्स बज। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग बज बना लेंगे अपना, जैसे कि मैंने यहाँ बना लिया है बज ड्रम, बज मेलोडी, बज बेस, बज एफएक्स और बज वोकल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ड्रम के जितने भी सैंपल्स हैं, जितने भी ये रिदम सेक्शंस के हैं, इन सबको सेलेक्ट करेंगे। मैंने किक पर क्लिक करा और कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करूंगा और लेफ्ट की प्रेस करूंगा और इसको आगे ड्रैग करूंगा। तो ये सारे हमारे सेलेक्ट हो गए हैं, जितना भी हमारे पर्टिकुलर ट्रैक है, इस सब का साउंड हमारा मास्टर में जाता है। बट हम इस बज में क्या करते हैं, हमारा जो ड्रम सेक्शन का साउंड है वो सिर्फ हमारा बज में जाना चाहिए, मास्टर में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले सारे सेलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल शिफ्ट दबा करके, ये सारे सिलेक्टेड है। और मैं यहाँ पर आऊंगा, जो ड्रम सेक्शन है इसका, यहाँ पर आप देखेंगे एक राउट का ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे इस पे आता है राउट टू दिस ट्रैक ओनली का ऑप्शन, इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे सबके सिग्नल हट चुके हैं मास्टर ट्रैक से। तो हमारे जितने भी ड्रम सेक्शन थे, इन सब का मास्टर ट्रैक से हट चुका है सिग्नल। अब इसी तरह हम मेलेडी को भी कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट से प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके राउट टू दिस ट्रैक ओनली। इसी तरह पैड को भी हम इसी में डालेंगे, राउट टू दिस ट्रैक ओनली मेलेडी में, और बेस को हम डालेंगे बस बेस। तो ये सारे हमारे मास्टर ट्रैक से हट चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे मास्टर ट्रैक पर कोई भी सिग्नल राउट नहीं है, बजेज में है बस, जो हमने ड्रम बज में डाल रखा है। और अभी जो है हमारा यहाँ पर, हमने कोई एफएक्स, मतलब कोई मैंने अब राइजर वगैरह नहीं डाल रखा है, बट मैंने बना दिया है बस। अगर मैं डालूंगा कुछ चेंजेस करना होगा तो वो यहाँ पे काम आएगा, और वोकल का जो होगा, वोकल का यहाँ पे काम आएगा, जो भी वोकल हम डालेंगे उसको यहाँ पर बज में डाल देंगे। अब हमें इन सब बजेज का भी एक बज बनाना होता है, इसको बोलते हैं मिक्स बज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ बज मिक्स। बज मिक्स में क्या होता है, इसका थोड़ा डिफरेंट कलर रख लेते हैं ब्लैक, क्योंकि ये सबका सिग्नल इसमें आएगा, एक फाइनल सिग्नल। यहाँ पर हम बजिस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब बजिस का जो जितने भी बज हैं, इन सब का जो सिग्नल जा रहा है वो मास्टर के लिए जा रहा है, लेकिन हमें वो भेजना है यहाँ पे बज मिक्स में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक और राउट टू दिस ट्रैक ओनली। अब क्या होगा, जितने भी हमारे सैंपल्स हैं, पर्टिकुलर सैंपल्स, मेलेडी, पैड, बेस, इन सब का साउंड इन बजेज में आ रहा है, और इन सब बजेज का जो साउंड है वो मिक्स में आ रहा है, और मिक्स वाले का साउंड जो है हमारा वो जा रहा है मास्टर में। तो इससे क्या होगा, हमारे साउंड की लाउडनेस बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम बाई चांस मिक्सिंग में कुछ, मान लो अगर आपने इन सबको ड्रम्स का सेक्शन को थोड़ा थोड़ा कम करना है, एक एक डीबी कम करना है, तो आप पर्टिकुलर को ना करके आप यहाँ से सीधा ड्रम पे आकर के 1 dB 2 dB यहाँ से कम करोगे, तो ऑटोमेटिकली ड्रम सेक्शन का साउंड कम हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है बस, बहुत ज़रूरी होता है मिक्सिंग में, बिल्कुल ध्यान रखना। और एक चीज़ और साथ साथ बता देता हूँ, किसी भी उसकी किसी भी मान लो क्लैप की, अगर हम यहाँ पे रिबव लगाते हैं, और तो रिबव को कभी भी हम लोग जब इसे राउट करेंगे यहाँ से, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिबव, क्लैप रिवर्ब मैंने यहाँ लिखा, ये मैंने इसका कलर दे दिया। अब मैंने यहाँ पर आया, अब मुझे इसको इससे राउट करना है ताकि रिवर्ब क्लैप की आने लगे इसमें, लेकिन हम यहाँ पे राउट टू दिस ट्रैक ओनली नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो साउंड है मास्टर में जाना जरूरी है। जब तक मास्टर में नहीं जाएगा तब तक रिवर्ब का साउंड नहीं आएगा। तो सिंपल इस पर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, तो ये इससे राउट हो गया है बस। अब सिंपल हम यहाँ पे रिवर्ब वगैरह जो भी लगाना है हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से हम लोग बजेज बनाते हैं, जो बहुत ज़रूरी होते हैं एक मिक्सिंग करने से पहले बजेज बनाना पड़ता है, जो प्री मिक्सिंग में आता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल आइकन। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।